रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Join my company. वैसे भी डैड ने कहा है कि जब तक तुम अप्रूवल नहीं दोगी तब तक हमारी मेडिसिन मार्केट में नहीं जा सकती। तुमने जॉब ऑफर दिया था, मुझे मंजूर है। हमारे ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉइज कितनी? अबाउट 370। क्यों? सबको एक महीने के लिए पेड लीव भेज दे। तोड़ दो प्लीज, ब्रांड न्यू बनाएंगे। अगर आपको वॉशरूम यूज करना है ना, तो यहाँ से दो ब्लॉक दूर ना एक बहुत ही अच्छा कैफे, तो उसका वॉशरूम आप यूज कर सकती। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट एक्सीजन, इस दवाई को हम इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाहते थे। दिस प्रोडक्ट इज गोना बी अ रेवोल्यूशन इन इंडिया, क्योंकि आज तक इस प्रोडक्ट के फॉर्मूला को इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता है। एंड फॉर दैट रीजन ये दवाई इंडिया में बहुत महंगी बनती है, एंड ऑब्वियसली द पुअर कांट अफोर्ड इट। नून बायोटेक का ये सपना था कि हम इस दवाई को जेनेरिक फॉर्म में इंडिया में लॉन्च करें। इस रूम में बैठे सभी बड़े साइंटिस्ट को इस फॉर्मूला से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन, डॉक्टर पालक। वेलकम। नून बायोटिक्स की टीम को पहली बार किसी ने चैलेंज किया, एंड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। हम पीछे नहीं हटेंगे। नून बायोटिक्स में हम हमेशा टॉप नॉच डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को हायर करते हैं। हमारी R&D टीम सालों तक एक ड्रग पर रिसर्च करती है और फिर वो ड्रग मार्केट में जाती है। हमारे हेड साइंटिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम और उनकी टीम ने हमें कभी भी लेट डाउन नहीं किया। कॉफी ठंडी हो रही है मैडम? नो, आई एम फाइन थैंक्स। ऋत्विक, एक्सक्यूज मी प्लीज, टू मच कॉफी, मैं एक लू ब्रेक लेकर आता हूँ। श्योर सर। तो मैं कह रहा था कि एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गो टू द लू एज वेल? ऑफ कोर्स, थैंक यू। क्या हवा चल रही है आज दिल्ली, तेरी सर्दी? हाँ, सो कहाँ थे हम? ऑक्सीजन। सो डॉक्टर पलक शर्मा, इन्हें लगता है कि जिन पेशेंट्स को रीनल प्रॉब्लम्स हैं उन पर ये दवाई इफेक्ट नहीं करेगी। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हर। सो या, सो आई वाज सेइंग कि एक्सक्यूज मी, काफी ठंडी है ना आज, और ऑफिस के हीटर्स भी काम नहीं कर रहे, बार बार लू जाने का दिल कर रहा होगा। यू वांट टू गो? कैसा ऑफिस है ये? वेयर इज द लू? मैम, दिस साइड। मीटिंग खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हारा एम हमारे टॉप साइंटिस्ट को अपनी नॉलेज से इंप्रेस करने का था, देन आई एम सॉरी, यू आर लेट। हर चीज वक्त से होनी चाहिए, वरना देर हो जाती है। ऋत्विक नून, लेटेक्लिनाइट ATP सेंसिटिव पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है, तो उसका सीधा असर पेनक्रियास की सेल्स पर पड़ता है और उससे कैल्शियम चैनल खुल जाता है और इंसुलिन क्रिएट होता है। बहुत गर्मी नहीं है इस लैब में? वैसे तो लैब का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, आज पता नहीं क्या इशू है। मैम, पानी पियेंगी? प्लीज, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। हाय सर। हेलो, क्या चल रहा है? मैं सबको अपनी थ्योरी से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। रियली? पानी? नो थैंक्स, आई हैव जस्ट पुट इन दिस ड्रग। इन द MBTH मेथड, द ड्रग रिएक्ट्स विद द MBTH इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इन एसिडिक मीडियम। द सॉल्यूशन विल टर्न इनटू अ ब्लू कलर इन 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट्स, उसमें हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन क्या होने वाला है। या इन 15 मिनट्स वी विल डिटेक्ट नेडिक्लिनाइड। आई वांट टू सी दिस। I'm gonna wait.
अगर मैं अभी लू गई ना तो 30 मिनट लग जाएंगे जाके आने में. पानी? हो गए 15 मिनट्स. इट्स ब्लू. Oh, positive. ये लो, you feel better. अरे रेवा सुन, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है. देख अब तेरी शादी होने वाली है और बाहर सर्दी का मौसम है तो रिकी और शिवम को ये सब बातें है ना मेरा बेटा समझाएगा. तेरे को तो मुझे ही समझाना पड़ेगा ना. तुम्हारी मम्मी तो बड़ी एलिगेंट है. वो थोड़ी ना तुझे ये सब बताएगी. कौन सी बात है दादी, इज एवरीथिंग ओके? तूने आने वाले दिनों का कुछ सोचा है? हाँ सोचा है, बट समर से तेरी शादी होने वाली है और नजदीकियां बढ़ने वाली है. यू नो व्हाट आई मीन? नजदीकियां, कंबल के नीचे कुश्तियां. एओ एओ दादी, अरे टीवी पे पूरा दिन यही तो सिखाते हैं कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है. मैं तुझे वही तो सिखा रही हूँ. आई कैन नॉट हियर दिस दादी. नहीं, दिस इज नॉट हैपनिंग. ये मैं सुन ही नहीं सकती हूँ. तू सुनेगी नहीं तो समझेगी कैसे? मुझे समझ नहीं. सुन, तेरे दादाजी और मैं है ना, मेरी पहली रात में ना. नो नो नो, दिस इज नॉट हैपनिंग. ला 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 What? और ऊपर से दादी और दादी की फर्स्ट नाइट की टॉक मुझे नहीं सुननी. ओ दादी, मम्मी जी तुसी भी आजकल दी कुड़िया नु तुसी सिखा रहे हो. एक दो लेसन ये आपको दे देंगी. तूने कुछ सिखाया इसे? दादी हाँ जी, 10 साल पहले ही मैंने इसे सिंपल सेक्स एजुकेशन दे दी थी. हाँ तूने तो ड्राई ड्राई बायो सिखाए होंगे. मैं तो एंजॉयमेंट से सिखाने वाली हूँ. मम्मी प्लीज मेरी शादी करा दो, मुझे पराया कर दो, प्लीज मेरी डोली उठवा दो, पर मुझे चिड़ियाघर से हटा दो. दादी अभी हॉस्पिटल से आए हो ना, सत्संग की बातें करो, ये सब छोड़ो. सत्संग में जाए मेरे पुरखे, क्या मैं तुझे बुढ़ी लगती हूँ? मैं तो मरने से पहले जाऊंगी सत्संग. मरे तो आपके दुश्मन दादी जी. ओह माय गॉड बेबी, आई एम सो ग्लैड यू आर हियर. आई हैव हैड एनफ, प्लीज लेट्स गो, टेक मी आउट ऑफ हियर. चलो. अरे मैं तो दादी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था. नहीं, यू हैव नो आईडिया व्हाट्स हैपनिंग हियर. प्लीज लेट्स गो. कुछ समझाना नहीं, तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है यहां पे. प्लीज देवी शादी की डेट पक्की कर लेते हैं. आई विल गेट मी आउट ऑफ हियर, आई डोंट केयर. अरे लंबी एंगेजमेंट का मजा ही कुछ और होता है ना मां? हां भाई, जैसे आप दोनों की मर्जी, मुझे तो अभी शादी करनी है मामा. आई हैव हैड एनफ. Someone speak to your parents, ma'am. I'm getting a call. 1 minute, huh? क्या अजीब ऑफिस है. पहले तो पूरा दिन कंट्रोल कर, फिर जब आए तो मुझे दूर जाओ. फर्स्ट डे काफी स्ट्रेसफुल रहा होगा ना? एक भी बाथरूम खाली नहीं था फॉर फीमेल्स. थक गई. एनीवे चाय कॉफी भी नहीं पी. और सर को भी पता नहीं कल सारे बाथरूम तोड़वाने की क्या जरूरत थी. हाँ कल बैठे बैठे ऑर्डर दिया कि सब लूज रेनोवेट होंगे तो सब उड़वा दिए. और आज ही सारे इंटरनल एयर कंडीशन खराब होने थे, गर्मी से हालत खराब है. मतलब 10 मिनट और रुक जाती तो ये सैंपल पता चल जाता पॉजिटिव है नेगेटिव. नेगेटिव ही नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं भी आई. Excuse me, madam. क्या कर रहे हो आप? मैडम ये जेंट्स टॉयलेट है. सॉरी पर आपके ऑफिस में लड़कियों के लिए कोई वॉशरूम नहीं है. एमरजेंसी, प्लीज एडजस्ट. यू नो व्हाट? आई कांट वेट टू गेट मैरिड टू यू. व्हाट्स द हरी? हरी की तो बात है, कितना इंतजार कराओगे यार तुम समर, हद होती है ना.
अरे सुनो ना, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि मेरी एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग है एंड मैंने उसको यहीं पे बुला लिया। तुमने बोला था ना आज का दिन मेरा होगा, बोला था ना? काम है एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, प्लीज। यू नो आई विल किल यू समडे। तुम घर जाओ, आई विल सी यू इन सम टाइम। ऑलराइट देन, आई विल सी यू सून, ओके? श्योर। Come here. Keys. Boss, आपने जब से ये लेडीज टॉयलेट तुरवाया ना, इशू होगा बाय गॉड, है ना? क्यों? हाँ, क्योंकि वो मैडम जी कभी भी घुस जाती है ना टॉयलेट में। क्या? हाँ, पलक कभी भी घुस जाए तो थोड़ा डेलिकेट मामला हो जाता है। नॉनसेंस, मैं भी देखता हूँ कैसे घुसती है। सॉरी गाइस, आप लोग प्लीज कंटिन्यू। क्या हुआ मिस्टर कैसनोवा, शर्मा गए? चलो, आपको शर्म तो आती है? असल में बिल्कुल नहीं आती। I can see you're desperate. और बनाया किसने? आपने। As a boss, आपका काम क्या होना चाहिए? हम female employees को अच्छे से अच्छा washroom provide करना। और आपने क्या किया? आपने सारे washroom चलवा दिए। मैं आपके against case कर सकती हूँ। सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आपने अपनी सारी female employees को छुट्टी दे दी। क्यों? उनका काम काम नहीं है, सिर्फ आपका टशन है। No wonder इस factory से गलत medicine मिली, क्योंकि यहाँ पर लोगों का दिमाग अपने काम से ज्यादा ये फालतू के गेम्स खेलने में लगा रहता। हम लड़कियां ना वैसे भी बहुत मेहनत करती हैं टू गेट वेयर वी वांट। ये वॉशरूम ना होने की वजह से हम इतना काम छोड़ के नहीं चले जाएंगे, ऐसा तो हमें लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और मैं सर्वाइव करके दिखाऊंगी। सुनो, डू यू थिंक मुझे इस पिंक जैकेट के साथ ब्लैक शर्ट पहननी चाहिए थी? नहीं ना, दिस इज बेटर। तुम्हें कोई बाइपोलर प्रॉब्लम है क्या, हमेशा टॉपिक पे ना बात करने की? ओ कम ऑन, कोई नया नाम सोचो यार। हाउ अबाउट रित्विकाइटिस, और बेटर रित्विक फोबिया। यू नो मेरे फैंस ने मेरे लिए एक वेबसाइट बनाई है, ritwikmania.com, यू शुड चेक इट आउट, इट्स कूल। यू आर अ पीस ऑफ आर्ट, आई नो। आई एम ग्लैड आरुण ने तुम्हें छोड़ दिया, शी इज सो ग्लैड। ऑल राइट, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कितना रोई होगी ना इन कंधों पर अपना सर पीट पीट कर कि रित्विक नून नहीं मिला उसे। तुम अभी तक यहीं अटके हो? You're unbelievable. मैं यहाँ अपनी सारी पर्सनल इश्यूज छोड़ के अपने प्रोफेशनली काम करने आई थी, पर तुम एक बच्चे से भी बदतर हो। आई डोंट केयर तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ जिसकी वजह से तुम औरतों से इतनी नफरत करते हो, बट लेट मी टेल यू, तुम किसी से नफरत करो या ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे अप्रूवल के लिए नहीं जी रही हूँ, मेरी एक पर्सनल लाइफ है, लोग हैं मेरी लाइफ में, मेरे मॉम डैड फ्रेंड्स, करियर है मेरा, जिसमें तुम एक छोटा सा पार्ट हो, वो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम मेरी लाइफ का सेंटर नहीं हो और ना ही कभी बनोगे। और जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम बहुत बड़ा एहसान करो लड़कियों को सबक सिखा के, लेट मी टेल यू, नोबडी केयर्स। और उस दिन जो तुमने मुझे किस किया था ना, वो तुम्हारे लिए टशन था, मेरे लिए इट वाज एक्सपीरियंस, जो तुमने मेरी पूरी लाइफ के लिए खराब कर दिया। यू डिस्गस्टिंग, मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, एंड आई एम श्योर किसी भी औरत की लाइफ में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। और जो तुम्हारा कैजुअल एटीट्यूड है ना, सेक्स अपील, ड्रामा, ये सब तुम्हारे दिमाग में है, तो अपने आप के साथ ये गेम्स खेलना बंद करो, अपनी गंदी सोच को ना फ्लश करो विद द रेस्ट ऑफ योर क्राफ्ट, एंड प्लीज ग्रो अप। कब से तू यहाँ पर? स्टार्ट से हूँ, लेकिन लेक्चर के बीच में कैसे निकलता? उसने तो तेरी ले ली, मेरे सामने और चौंक हो जाती ना तेरी। जाऊ, कैन आई वॉश माई हैंड्स? गेट आउट, सैनिटाइजर यूज कर लूंगा। बहुत जहरीली है ना ये लड़की, कड़वे बोल बोलती है, इसकी सारी कड़वाट खोल के इसी को न पिला देना। मेरा नाम ऋत्विक नहीं। बात बताओ, लास्ट कपल ऑफ डेज ना हैव बीन वेरी स्ट्रेसफुल। मेरे इतना दिमाग में एक आइडिया, एक 3-4 दिन की वेकेशन पे चले गया। पागल हो गया, आई हैव जस्ट जॉइंड, अभी मेरे जिम का टाइम है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
Sorry, I'm late. ये तुम्हारा नया सेक्रेटरी, रॉबिन रे। Hey buddy, how you doing? Hi. सुना वो आरएनडी डिपार्टमेंट से मीटिंग है, but I'm definitely getting late. Please inform them. Not a problem, boss. I got it. और वो कहते हैं ना, boss कभी late नहीं होते, employees जल्दी आ जाते हैं। I like you already. मैं इसको ऑफिस दिखा के तुमसे दबा था और क्या सीखा तुमने? देखो, 3 हफ्ते, 3 साल भी कम होते हैं। और ये लिफ्ट है, चेंजिंग रूम नहीं है। मशीन नथिंग। मेरी लिफ्ट, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी जिंदगी का एक-एक पल कीमती है। I value my time and I take care of myself. I'm already late. तो अब एक ओवर एंथुसियास्टिक फार्मासिस्ट की वजह से अब सेल्स और मार्केटिंग वालों को भी इन्वेस्टर्स और पब्लिक के सामने जवाब देना पड़ रहा है। क्या बताऊं, ऋतिक ने आज क्या-क्या किया है? तुझे मिल रही हूं अभी। तो उसके लिए ओवर कॉन्फिडेंट। व्हाट हैपेंड सर? सर आर यू ओके? सर क्या हुआ? सर को हार्ट अटैक है। कॉल एम्बुलेंस। अरे गेट द वाटर प्लीज। सर मैं तुझे बाद में फोन करती हूं। ओह गॉड ही इज चोकिंग। अरे क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? सर प्लीज आप बैठ जाइए। योगी सर? नो, जब तक इनको सांस नहीं आएगी इनको कोई पानी नहीं देगा। मुझे तो लगा आपको हार्ट अटैक आया, पर हम समझ नहीं पाए कि आप चोक हो रहे हैं। मैंने तो चोकिंग का साइन भी दिखाया था, पर आप में से किसी को समझ नहीं आया, सिर्फ डॉक्टर पलक को समझ आया। डॉक्टर पलक, थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। अगर आज आप नहीं होते तो शायद आई वुडंट हैव सर्वाइव्ड। इट्स ओके सर, ये मेरी ड्यूटी है। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। डॉक्टर पलक। यस सर। आपने हमारे एक्सियन को चैलेंज किया ना? जी। विच कॉलेज? फार्मासोलॉजी। एम्स। नाइस। डोनेशन से? फर्स्ट अटेम्प्ट, 94.5 percentile। डॉक्टर पलक, आई वुड लाइक टू सी योर हाइपोथेसिस का डेमोंस्ट्रेशन। कल 11:30 बजे इन द ऑफिस? यस सर, श्योर। थैंक यू। थैंक यू सर। ऋत्विक, आज तो प्रेजेंटेशन नहीं हो पाई, कल एक डेमोंस्ट्रेशन कर लेते हैं और वी नीड टू फिनिश दिस फर्स्ट। नो वरीज। इसको क्या हो गया? बॉस, लड़कियों का वायरिंग ही ऐसा है, जो चाहिए होता है, जिसे इंप्रेस करना होता है, उस पर अपना जादू चला ही देती हैं। आई मीन, पालक ने अभी 15 मिनट में इंप्रेस कर लिया मिस्टर सुब्रमण्यम को। रियली? वैसे लड़कियों की वायरिंग के बारे में बहुत पहले से जानता हूँ। यहाँ ये यही तो करने आई है, पैसे कमाने। जहाँ मौका मिलेगा घुस जाएगी। इसको मेरे डैड की मेडिसिन को रिजेक्ट करना है ना, मैं दिखाता हूँ इसे। एलसी, कल लैब कैसे पहुँचती है? मेंस लू, लाइक सीरियसली पलक। अच्छा, तो क्या चॉइस थी मेरे पास? कब तक उस कॉफी शॉप में जाती रहती मैं? कोई एक्शन तो लेना था, तो ले लिया। मेंस लू, यक। यार ये कैसा बंदा है, इसे औरतों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। मैं तो उसके घर वालों के बारे में सोच रही हूँ, अपने घर की औरतों को भी ऐसे ट्रीट करता होगा कि। और फिर पेट से लटकी हुई बिना मुंडी वाली चुड़ैल का शरीर पेट से नीचे उतरने लगता है, धीरे धीरे धीरे। बोलता रे
थी यार, ये बड़ा अजीब है। पहले छोटे बच्चों को कहानियां सुना के सुलाना पड़ता था, अब आप हो और वो भी ऐसी भयानक गंदी हॉरर स्टोरी सुनते हो, आपको पुट्ठे सीधे सपने नहीं आते? सुन रे, कहानी का एंडिंग खराब न कर, पता फिर बता आगे क्या होता है। दादी की हॉरर स्टोरी की चुड़ैल बनके क्यों बैठी हुई है? क्या हुआ? चुड़ैल लग रही? जब एक लड़की इतना चुपचाप बैठी होती है ना, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि तू कुछ सोच रही है जो कि तुझसे होगा नहीं, या फिर तू किसी का इंतजार कर रही है, बहुत गुस्से में है, किसी का सर फाड़ने वाली है, बम की तरह खुद फटने वाली है, तो इधर ब्रेकिंग डाउन और यू नीड अ हग और ऑल ऑफ द अबव। नाउ माय लिटिल हाइनेस, आपको इन सब चीजों से क्या इफेक्ट हो रहा है? नन ऑफ द अबव, कोई स्ट्रेस नहीं है। You know, a strong woman looks the challenge in the eye and gives it a wink. I see. वैसे भी तुझे कुछ स्ट्रेस हो रहा होगा, स्ट्रेस तो समर को लेना चाहिए, जिंदगी जब बर्बाद होने वाली है उसकी। Seriously, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। You get some sleep. I'll see you tomorrow. ओ, ये सब ठीक है ना? क्या? Yeah. Boss. कल की सेटिंग हो गई है, अब डॉक्टर पलक जीरो, हम नंबर वन। परफेक्ट। तेरा ना नया प्रोफाइल भी बनाया है डेटिंग ऐप पे। डेटिंग ऐप? हाँ मम्मा यार, ये हद हो गई। सीरियसली, कौन सी माँ अपनी बेटी का डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाती है, मुझे बताना। आप तो ना बस मेरी पलक पे कोई जादू कर दो जी, ऋत्विक लून का जादू। तो मुझे बहुत हॉट लगती हो, सारी रात तुम्हारे बारे में सोच सोच के मैं। Excuse me? Yeah?